शुनीत के इस खास प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आप सब वाकिफ हैं कि किस तरह हिंदुस्तान की तारीख, हिंदुस्तान का कल्चर दिन ब दिन कुछ तब्दील हो रहा है, कुछ तब्दील किया जा रहा है। तारीख के ताल्लुक से तो हम ये समझते थे इससे पहले कि तारीख जो है, जो एक बार लिख दी गई, फिर वो कई सालों, कई सदियों तक अपना सफ़र जारी रखती है। लेकिन तारीख का रास्ता भी कैसे रोका जाता है और किस तरह तारीख को बदला जाता है, ये अब हम होता हुआ देख रहे हैं। और अगर यही सूरत हाल रही तो आज से 100 साल, 200 साल, 300 साल के बाद हो सकता है कि इसी तारीख को सही तारीख मान लिया जाए, कम से कम हिंदुस्तान की हद तक। आज सोहेल हाशमी साहब हमारे मेहमान हैं। सोहेल हाशमी साहब, आप जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं वो इनके नाम और काम से वाकिफ़ हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली, जब जब हम दिल्ली को समझने की कोशिश करते हैं, पुरानी दिल्ली को किसी और की आंख से देखने की कोशिश करते हैं, किसी और के कलम से पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहला नाम जो हमारे जहन में आता है वो सोहेल हाशमी साहब का है। तो आज कुछ दिल्ली, और दिल्ली चूँकि एक तारीखी शहर रहा है, तारीखी शहर है, तारीखी मकामात हैं यहाँ पे, उस हवाले से कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पुरानी दिल्ली, आज से 200, 300, 400 साल पहले की दिल्ली और आज की दिल्ली, क्योंकि आज की दिल्ली में नई दिल्ली भी शामिल हो गई है, कितनी बदली है। और वो पुरानी दिल्ली जो हमारी विरासत है, हमारी तारीख है, वो कहाँ खड़ी है, उसने भी अपना सफ़र आगे जारी रखा है या नहीं रखा है। सोहेल हाशमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया है। शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपके साथ नई दिल्ली सिलसिले में शामिल हो सकूं। सोहेल साहब, जब भी दिल्ली की हम बात करते हैं, दिल्ली को समझने की कोशिश करते हैं, दिल्ली के मकामात को देखने की कोशिश करते हैं, तो चूँकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो किताब तक पहुँचने में थोड़ा सा वक्त लगता है। उससे पहले हम इंटरनेट पे कुछ बहुत सारी चीज़ें तलाश करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो गूगल सर्च करें या यूट्यूब पे जाएं, तो जाहिर है वहाँ बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जहाँ आप लोगों को ये जो वॉक है उसके ज़रिए लोगों को इकट्ठा करते हैं, लोगों को बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो दिल्ली के तारीखी मकामात हैं, कल्चरली इसकी कितनी अहमियत अब रह गई है, जो आपको हम देखते हैं और आपके साथ जो नौजवान नस्ल जुड़ती है उस वॉक में, तो हमें लगता है कि ये काम बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हम सियासतदानों की तरफ जाते हैं या और ज़िंदगी के जो और रोज़ो शब लोगों के बसर होते हैं, जब हम उसे देखते हैं तो लगता है कि ये सब चीज़ें तो बहुत अहम नहीं हैं। तो ये जो हमारी विरासत है, इसको जानना हमारे लिए कितना अहम है, कितना रेलिवेंट है आज के ज़माने में? देखिए, मैं एक छोटी सी मिसाल से ये जो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो कि उसका मकसद क्या है। हमको जब तक हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, हमको जो तारीख पढ़ने को मिली वो उसको कुछ तीन हिस्सों में बांटा गया था। हमें बताया गया कि एक हिंदू पीरियड था, एक मुस्लिम पीरियड था और एक ब्रिटिश पीरियड था। अब बाद में समझ में आया कि जिसको हिंदू पीरियड कहा जा रहा है, उस पीरियड में जो सारे बादशाह थे हिंदू नहीं थे, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा था जिसमें बौद्ध मज़हब को मानने वाले हुकूमत कर रहे थे, हिंदुस्तान के बड़े इलाके में जैन मज़हब को मानने वाले हुकूमत कर रहे थे, तो उस पूरे इलाके को, और बहुत सारे लोग उससे पहले के ऐसे थे जिसको आज हम ब्राह्मणिज्म, हिंदुइज्म कहते हैं, वो उस वक्त नहीं था। तो एनिमिस थे लोग जो पहाड़ों की, नदियों की और इनकी आत्माओं की पूजा किया करते थे, तो वो हिंदुइज्म से पहले का वक्त था। इस पूरे पीरियड को, पूरा जो एंशिएंट हिस्ट्री का पीरियड है, उसको हिंदू पीरियड कहना इतना ही गलत है जितना उसके बाद के और अंग्रेज़ों के आने से पहले के पीरियड को मुस्लिम पीरियड कहना गलत है। क्योंकि बादशाह मुसलमान ज़रूर था, लेकिन जो मनसबदार थे, जिनका हुक्म एक्चुअली ज़मीन पर चलता था, वो तो सबके सब गैर मुस्लिम थे। तो जब औरंगज़ेब और दाराशिकोह के बीच में लड़ाई होती है, उस वक्त मुग़लों के 49 बड़े मनसबदार थे,
और उनमें से अक्सरियत हिंदुओं की थी जी। और इन हिंदुओं की अक्सरियत औरंगज़ेब के साथ गई, इन मनसबदारों की, इसलिए औरंगज़ेब जीता और दारा शिकोह हारा जी। तो इस पूरे को हिंदू पीरियड, इस्लामिक पीरियड कहना इतना ही गलत है जितना बाद के पीरियड को ब्रिटिश पीरियड कहना गलत है। और अगर ऐसे ही तकसीम करना है तो पहला पीरियड अगर हिंदू पीरियड और दूसरा मुस्लिम पीरियड है तो तीसरा पीरियड ईसाई पीरियड होना चाहिए, ब्रिटिश क्यों? ब्रिटिश ये अंग्रेज़ों ने जानबूझ के डिवीज़न की और उसके बाद उन्होंने एक डिवीज़न की जिसको उन्होंने हिंदू आर्किटेक्चर और इस्लामिक आर्किटेक्चर कहा। क्रिश्चियन आर्किटेक्चर के नाम की टर्म दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। अगर क्रिश्चियन आर्किटेक्चर नहीं है तो इस्लामिक आर्किटेक्चर कैसे हो सकता है? ये चीज़ें मैं इमारतों पे जाके लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ जी। मैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ कि गुंबद को हिंदुस्तान में तो मुसलमान लेके आए लेकिन वो मुसलमानों की ईजाद नहीं है। गुंबद ईसा मसीह के से पहले के वक्त में रोमन्स ने ईजाद किया था, मेहराब भी रोमन्स ने ईजाद की थी। मीनार और मस्जिद का जो ताल्लुक आज हम सबको रोज़ नज़र आता है वो दिल्ली में पहली बार शाहजहां ने कायम किया। शाहजहां से पहले की बनी हुई किसी भी मस्जिद में मीनार नहीं, क्या ही नहीं। कुतुब मीनार जिसको लोग कहते हैं कि वो उस जो वहाँ मस्जिद थी कुतुबुद्दीन ऐबक की बनाई हुई जामा मस्जिद, उसका मीनार है, ये कतई गलत है। जामा मस्जिद जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई जिसे मस्जिद जामा कहता था, या कुब्बतुल इस्लाम इस्लाम का गुम्बद, वो मस्जिद 1182 में बनना शुरू हुई, कुतुब मीनार 1183 में बनना शुरू हुआ। और ये कहना कि उस पर से अजान दे के लोगों को बुलाया जाता था, ये पता नहीं किसने, ये किसके दिमाग की उपज है, कोई बहुत ही ज़रखेज़ दिमाग होगा जिसकी उमज है ये। क्योंकि मुझे मालूम है कुतुब मीनार की पहली मंजिल पे खड़े होके कितना भी शोर मचा लो ज़मीन पे आवाज़ नहीं आती जी। तो वहाँ और अगर किसी मौलवी से किसी मौज़िन से कह दिया जाता कि दिन में 5 बार वहाँ चढ़ के तुझे अजान देनी है, वो 5वें दिन इस्तीफ़ा देकर चला जाता जी। ये हमारे लिए कहानियाँ गढ़ दी गई हैं। जामा मस्जिद के मीनार के ऊपर चढ़ के मैंने 5 स्टूडेंट्स को भेजा, 5 नौजवानों को, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के स्टूडेंट्स को, मैंने कहा चढ़ो ऊपर और चीखो वहाँ से, और हम सब नीचे बैठे हुए थे, किसी ने कुछ नहीं सुना जी। ज़मीन पर आवाज़ आ ही नहीं सकती क्योंकि आवाज़ जिस तरह सफ़र करती है वो अकीदे से नहीं तय होता, वो फिज़िक्स से तय होता है जी। जामा मस्जिद के ऊपर चढ़ के चीखने से ज़मीन पे आवाज़ नहीं आएगी, कितना भी अच्छा मौज़िन हो, कितनी ही अच्छी उसकी आवाज़ हो, ज़मीन पे नहीं आएगी जी। तो ये मीनार इस चीज़ के लिए बने ही नहीं थे। वो एक लंबा डिस्कशन है कि मीनार क्यों है, क्या है वगैरह, कुछ बता मेरा मानना ये है कि जिस तरह मंदिर में कलश होता है, गोपुरम होता है, जैसे कलीसा में जैसे स्टीपल कहते हैं या बेल टावर कहते हैं वो होता है, ऐसे ही मस्जिद में मीनार होता है। तमाम जो दौरे कदीमा में जब जिस वक्त ये तमाम मज़ाहिब वजूद में आए हैं उस वक्त लोगों का यकीन ये था और अब भी है कि हमारे जो हमारा जो माबूद है, जो खुदा है, जो दुनिया बनाने वाला है, वो ऊपर है, खुदा ऊपर है। और ये खुदा को तक पहुंचने की कोशिश थी जी। आप ज़रा याद करें जितने पुराने मंदिर हैं, जितने पुराने कलीसा हैं, जितने पुराने आस्ताने हैं, बहुत सारी पुरानी मस्जिदें हैं, सब पहाड़ों के ऊपर क्यों हैं? जामा मस्जिद खुद पहाड़ के ऊपर है, पहाड़ी के ऊपर बनी हुई है। तो आप एक ऊंचाई पर जाते थे, वहाँ मस्जिद बनाते थे या मंदिर बनाते थे या कलीसा बनाते थे और उसको इतना ऊंचा ले जाने की कोशिश करते थे जितना ऊंचा ले जा सकते थे जी, ताकि आप खुदा के पास पहुँच जाएँ। ये इंसानों को आवाज़ पहुँचाने के लिए नहीं था, खुदा तक आवाज़ पहुँचाने की कोशिश थी। और ये तमाम मज़ाहिब, इन तमाम मज़ाहिब के मानने वाले, इन तमाम इमारतों के बनाने वाले, वो नहीं जानते थे कि दुनिया गोल है जी। और एक गोल चीज़ जो खिला में मुअल्लक़ है उसमें न कुछ ऊपर होता है न नीचे होता है,
मिसाल के तौर पर अमेरिका हमसे कोई तकरीबन 180 डिग्री नीचे ग्लोब के दूसरी तरफ है। यहाँ पे हम कितनी ही ऊंची मीनार क्यों ना बना लें, वो अमेरिका वालों के पैर के नीचे होगी। वो कितना ही ऊंचा कलीसा क्यों ना बना लें, हमारे पैरों के नीचे होगा। तो यहाँ पे ऊंचा नीचा कुछ है नहीं, ये सब हम यहाँ हैं, हमारे हिसाब से ये ऊपर है। यहाँ से 160 डिग्री नीचे चले जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा जी। तो ये उन लोगों को नहीं पता था, तो वो ये ऐसी ऊंची ऊंची इमारतें बनाते थे पहाड़ियों के ऊपर, बुलंदियों के ऊपर, ताकि अपने माबूद तक पहुंच सकें या उसके करीब पहुंच सकें, करीब पहुंच सकें जी। बाद में जब इन्होंने बादशाहों ने मज़हब का और उस पूरे दौरान पूरा जो ज़मींदारों का जो इलाका पीरियड है, वो चाहे वो ईरान के उसके मिस्र के फिरौन हों या इनका रूलर्स हों या मायन किंग्स हों, जितनी भी पुरानी तहजीबें थीं, उनके जो हुक्मरान थे वो मज़हब का इस्तेमाल करते थे हुकूमत में बने रहने के लिए। और इसलिए बहुत हद तक आज भी होता है। हाँ हाँ, लेकिन जो फ्यूडल पीरियड है, ज़मींदाराना निज़ाम जो है, उसमें तो इस्लाम मज़हब का इस्तेमाल किए बगैर आप हुकूमत ही नहीं कर सकते, क्योंकि तमाम जो सहीफ़े हैं उनमें लिखा हुआ है कि दुनिया तो खुदा ने बनाई, और दहकान जो है, किसान जो है, वो सबका पेट भरता है। तो अल्लाह मियाँ की बनाई हुई ज़मीन, किसान की मेहनत, बादशाह को वो अपनी पैदावार का एक तिहाई क्यों दे? वो पूछ सकता था, तो उसको बताया गया कि हमको खुदा ने हुकूमत करने के लिए भेजा है। तो बादशाह बिना मज़हब का इस्तेमाल किए हुकूमत कर ही नहीं सकता था जी। उसे बताना पड़ता था कि उसको खुदा ने भेजा है। तो हमारे यहाँ चंद्रवंशी थे, सूर्यवंशी थे, भगवानों की संतानें थीं। ये अजीब है, जितने हुक्मरान थे या तो खुद अपने आप को खुदा कहते थे या कहते थे खुदा के नुमाइंदे हैं। सो अकबर जो थे वो ज़िल्ले इलाही थे, खुदा का साया थे। औरंगज़ेब आलमगीर थे, भगवान श्री रामचंद्र थे, भगवान कृष्ण थे। इजिप्ट के जो रूलर्स थे वो उनकी पूजा होती थी। मायान और इंकन जो हुकूमत हुक्मरान थे वो अपने आप को खुदा की तरह अपनी इबादत करवाते थे, और ज़मींदार थे, राजा थे। तो मज़हब का इस्तेमाल ज़मींदाराना निज़ाम में कंपलसरी है। और इसलिए जब वो किसी शहर को बनाते थे तो उस पे सबसे सेंटर में, सबसे ज़्यादा जो ऊंची जगह थी, सबसे ज़्यादा जो नुमाया मुकाम होता था, वहाँ पर वो इबादतगाह बनाते थे जी। अगर राजा हिंदू है तो मंदिर बनाएगा, अगर मुसलमान है तो मस्जिद, तो मस्जिद बनाएगा जी। तो शाहजहाँ ने यहाँ मस्जिद बनाई, और हिंदुस्तान भर में मस्जिदें और मंदिर बनाए गए। मथुरा में देखिए, जितने बड़े शहर हैं वहाँ के सेंटर में एक इबादतगाह है, और वो उस पूरे लैंडस्केप को डोमिनेट करती थी। तो और उसके ज़रिए, क्योंकि इस बादशाह ने बनाई है तो बादशाह का जो, क्योंकि वो खुदा का नायब है, हाँ खुदा का नायब है, तो उसका रुतबा होता था, वो मज़हब का इस्तेमाल करता था। और जो जितने ये उलमाए दीन हुआ करते थे वो अक्सर व बेशतर बादशाहों की हुजूरी में हुआ करते थे, सूफियों के अलावा। सूफी जो थे उनका एक अलग रास्ता था, जी, वो बादशाहों की सलाम दुआ करने नहीं जाते थे, ख़ासतौर से चिश्ती सूफी तो सूफियों ने तो नहीं किया, लेकिन उलमाए दीन जो अपने आप को कहलाते थे वो अक्सर व बेशतर बादशाह की हुजूरी में रहा करते थे। तो ये इसलिए ये बड़ी बड़ी इमारतें बना करती थी इन। तो ये चीज़ें मैं जब मैं हेरिटेज वॉक्स पर ले जाता हूँ तो दिखाने की कोशिश करता हूँ, और उसके अंदर जो डिटेल्स हैं, तो आप देखेंगे कि गुंबदों में के मस्जिदों में कलश बने हुए हैं, मस्जिदों में कमल का फूल है, स्वास्तिक हैं। और ये इनकी मदद से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये सिंबल हिंदू सिंबल नहीं है, ये हिंदुस्तानी सिंबल है। और जो गुंबद और मीनार वहाँ से आए उनको मुसलमान लाए ज़रूर थे, लेकिन वो इस्लामी नहीं है, क्योंकि जो फ़न तामीर है उसका कोई मज़हब नहीं होता, उसका ताल्लुक़ होता है तहजीब से, उसका ताल्लुक़ होता है तमद्दुन से, कल्चर से। एक ख़ास कल्चर में, एक ख़ास माहौल में, एक ख़ास तरह के मौसम में, एक ख़ास तरह का फ़न तामीर परवान चढ़ता है और फिर वो लोगों के साथ ट्रेवल करता है। बिल्कुल। तो उसको इस्लामी कहना और हिंदू कहना गलत है।
वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तानी है और वो जो वस्त एशियाई है, और वो वस्त एशियाई फन तामीर और हिंदुस्तानी फन तामीर हिंदुस्तान में आके यकजा हुआ। 12वीं सदी से वो इकट्ठा होना शुरू हुआ और धीरे 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 16वीं 17वीं सदी तक पहुँचते पहुँचते उसने वो शक्ल इख्तियार की जिसको आज हम मुग़ल आर्किटेक्चर कहते हैं। वो इस्लामी आर्किटेक्चर नहीं, नहीं, वो मुग़ल आर्किटेक्चर। हाशमी साहब, एक ज़रा जैसे आपने तसव्वुफ़ की बात की और सूफिया की बात जी, की, तो हम दिल्ली शहर में हैं और कदम कदम पे जी के मज़ार हैं। ये जो दिल्ली में मज़ार हैं इस वक्त जो उनकी सूरत हाल है, जैसे हज़रत निज़ामुद्दीन जी जी की दरगाह है, अमीर खुसरो वहाँ पे दफन है, इस तरह बहुत सारी और जगह तो ये कुछ औलिया के मज़ार तो महफूज हो गए एक तरह से, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि यहीं दफन है, यहीं बैठे, यहीं से तालीम दी उन्होंने, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऐसा महसूस होता है, जैसे आपसे पहले बात भी हो रही थी, कि वो अपनी असल शक्ल जो है उनकी बिगड़ गई है। तो लोगों ने अब उसके बाद जो लोग आए वो तो उनसे भी ज़्यादा चालाक निकले कि उन्होंने जो है एक तरह से मज़हब का इस्तेमाल बादशाह करते थे, अब आम लोग जो है जो थोड़ा सा ज़हीन समझिए आप उसको या तेज़ तर्रार समझिए वो सूफिया का इस्तेमाल करता है, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके आगे चल के जो उसकी असल शनाख्त है वो भी कहीं ना कहीं मिट रही है। अब हम देख रहे हैं कि जो असल कब्र है औलिया की या किसी बड़े शख्स की वो तो कहीं और है, लेकिन उसको हमने कहीं और भी बना दिया है। तो एक तो जाहिर है हेरिटेज वॉक में ये भी आप बताने की कोशिश कर रहे होंगे, करते हैं, लेकिन ये किस हद तक नुकसानदेह है और कैसे इससे बचा जा सकता है? क्या इसमें सिविल सोसाइटी या सरकार या कुछ इस तरह का कुछ दखल दे ताकि इस तरह की चीज़ें कम से कम तर हों? जी देखिए, एक अजीब मामला है और मैं समझता हूँ वो, अब मुझे ये पता नहीं कि ये बर्रे सगीर की खासियत है या ये कुछ एशियाई चीज़ है या इस वजह से कि हमारे चारों तरफ इतने आसार हैं पुरानी इमारतों के हमने उनकी तरफ से बिल्कुल हम उनकी तरफ नज़र ही नहीं करते हैं, हमें उस इस सबसे कि ये हमारी हेरिटेज है, ये हमारी तहजीब का हिस्सा है, हम उससे बिल्कुल बहुत अलग हो गए हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता वजह क्या है, लेकिन आप ये देखें कि लगातार हम देख रहे हैं कि चारों तरफ जो ये मतलब मिसाल के तौर पर 1920 में एक सर्वे हुआ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने करवाया, वो एक लिस्ट छपी, उसमें दिल्ली में 3000 आसार कदीमा शिनाख्त किए गए, 3000। 2010 में एक और लिस्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तैयार की, उसमें 2000 ही निकले। अच्छा, 90 साल में 1000 आसार गायब हो गए। अच्छा, मैं कम से कम 20-25 को जानता हूं जिनकी हयात तब्दील हुई है, जो मज़ार से प्राचीन शिव शक्ति मंदिर में तब्दील हो गए हैं, अभी गौतम नगर में हुआ जी, एक हफ्ता हुआ है, वो दिल्ली इंटेक की फहरिस्त में था और वो दिल्ली सरकार की फहरिस्त में था कि उसका वो रिपेयर करेंगे, वो वहाँ जब पहुँची है टीम इंटेक की तो मालूम हुआ कि वो तो मंदिर में तब्दील हो चुका, मंदिर वो भी प्राचीन। हाँ, तो एक तो ये हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो पुराने मकाबर हैं उनको मंदिरों में तब्दील किया जा रहा है, उनमें घुस के लोग मदरसे और टायर रिपेयर की दुकान और ये सब कुछ कर रहे हैं, मतलब तुर्कमान गेट से आप जाइए तो वो जो तेलियों का फाटक है जी, जो असल में शाहजहां के वज़ीर आज़म खाने जहां का के महल का दरवाज़ा था, आप देख लीजिए वहाँ पे 3 तंदूर लगे हुए हैं, ऑटो रिपेयर की दुकान है और गालिब की हवेली में स्टडी चल रही है। हाँ, तो मतलब हमको कुछ इसकी कुछ खास फिक्र है नहीं। तुर्कमान गेट के बाहर एक छोटा सा एक हुजरा नुमा चीज़ है जिस पे लिखा हुआ है कि वो शाह तुर्कमान बियाबानी का मज़ार है ना,
असल मज़ार शाह तुर्कमान बियाबानी का अंदर है, मोहल्ला कब्रिस्तान के अंदर, और काफ़ी वसी है वो। शाह तुर्कमान बियाबानी जो हैं वो उस वक्त के बहुत बड़े सूफ़ी थे, और उनका जो लकब है वो शाह, क्योंकि वो तो ये इस पूरे इलाके में जंगल था उस वक्त जब वो यहाँ आए हैं, और जंगल में रहते थे इसलिए वो बियाबानी कहलाए जाने लगे। तुर्की से आए होंगे इसलिए तुर्कमान कहलाते थे, लेकिन उनका जो लकब है वो शम्सुल आरफीन है, और 1240 में उनका इंतकाल हुआ। और हमको तारीख़ी हवालों से पता चलता है कि जब फिरोज़ तुगलक ने अपना शहर बनाना शुरू किया, जो चौथा शहर है, पांचवा शहर है, जब उसने वो बनाना शुरू किया तो उसके मुशीरों में से किसी एक ने कहा कि शहर की जो फसील है उसको इतना बढ़ाओ कि शाह तुर्कमान बियाबानी का मज़ार तुम्हारे शहर की फसील में शामिल हो जाए, अगर ऐसा कर लिया तो तुम्हारी सल्तनत ता क़यामत कायम रहेगी। तो फिरोज़ तुगलक ने उसकी वो हदें बढ़ाईं, और ये पूरा इलाका जिसको हम जो गालिबन वहाँ तक जाता है जो बाज़ार सीताराम तक, ये पूरा इलाका उसकी शहर का हिस्सा हो गया। वहाँ पर शाह तुर्कमान बियाबानी का मज़ार था, और शाह तुर्कमान बियाबानी के मज़ार के पास उसके वज़ीर आज़म ने खाने जहाँ ये जो था मकबूल तेलंगानी जिसने दिल्ली में 7 मस्जिदें तामीर की थी, उसने वहाँ पे कला मस्जिद तामीर की जो फिरोज़ तुगलक के शहर की बड़ी मस्जिदों में एक थी, और आज भी शाहजहानाबाद में या पुरानी दिल्ली में गालिबन तीसरी या चौथी सबसे बड़ी बिल्डिंग है, लाल किला, जामा मस्जिद, मस्जिद फतेहपुरी, और उसके बाद गालिबन कला मस्जिद जिसको आप काली मस्जिद कहते हैं। तो ये इसलिए बनाई गई क्योंकि शाह तुर्कमान बियाबानी वहाँ पर दफन थे, इसीलिए तुर्कमान दरवाज़ा शाहजहाँ ने जब दिल्ली बनाई तो उसने दरवाजे का नाम तुर्कमान दरवाज़ा इस वजह से रखा कि शाह तुर्कमान बियाबानी उस इलाके में दफन है। उसके बाद पता नहीं किसने तुर्कमान दरवाजे के बराबर एक छोटा सा ये कंस्ट्रक्शन बना लिया और वहाँ कह दिया कि ये शाह तुर्कमान बियाबानी का मज़ार है। और हम लोग, वो लोग भी जो दिल्ली शहर के अंदर रहते हैं, वो जाके उससे नहीं कहते कि तू झूठ बोल रहा है, तू शाह तुर्कमान बियाबानी का मज़ार नहीं है, वो तो अंदर है जहाँ पे उर्स होता है। और बहुत सारी दिल्ली की गाइड बुक्स में लिख दिया गया कि ये शाह तुर्कमान बियाबानी का मज़ार है। तो ये हम लोग अपने एक तसव्वुर में एक अजीम माजी का हमने एक ख्वाब बनाया हुआ है, लेकिन हमारे चारों तरफ जो हमारी उस पास्ट के, उस माजी के जो निशान रह गए हैं उनकी तरफ से हम बिल्कुल उनको कोई तवज्जो नहीं देते, और इस मौके की तलाश में रहते हैं कि उनको तोड़ ताड़ के उसके ऊपर कुछ और बना लें, वहाँ दुकान खोल लें, वहाँ एक वो किसी पीर 20 गज़ा का बाज़ार बना दें, वहाँ पर वहाँ से आमदनी का कुछ ज़रिया होना चाहिए, अगर आमदनी का ज़रिया नहीं है तो हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा सुहेल साहब, ये जो दिल्ली के तारीखी मकामात हैं इनकी बात हुई, और किस तरह ये आर्किटेक्चर जो है ये कभी मुग़ल, एक ज़माना मुग़ल का हो गया, लेकिन ये जो खाने हैं दिल्ली के ख़ास तौर से, उन पर उस पर भी आपका काम है, तो ये जो दिल्ली के खाने हैं ये सारी दुनिया में मशहूर हैं, चाहे वो निहारी हो या बिरयानी हो, तो हिंदुस्तान के कम किसी भी कोने में चले जाएं तो दिल्ली निहारी, दिल्ली बिरयानी और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, तो ये खाने जो हैं ये हमारे अपने हैं या ये भी उसी तरह बाहर से आए फिर यहाँ का कुछ मिक्स हुआ, क्योंकि आजकल खाने पे भी बहुत डिबेट है कि क्या खाया जाए क्या ना खाया जाए, तो वो तो एक डिबेट है ही, लेकिन ये जो जायका है हमारा दिल्ली का जायका, ये असल दिल्ली का ही जायका है, ये भी मुग़ल बाहर से लेके आए। देखिए मैं मेरा मानना ये है कि कुछ भी चीज़ असल नहीं होती जी। अगर असल की तरफ जाएंगे तो दिल्ली में आज जो दिल्ली में लोग रहते हैं उन
उन सबको धीरे धीरे निकालना शुरू किया, ये फलांस ये मुल्तान से आया, ये कोहाट से आया, ये वहाँ से आया, भिट्टे भिट से आया, ये जलंधर से आया, इन सबको निकालिए, ये मुगल सराय से आया, ये भोपाल से आया, ये सागर से आया, ये दमोह से आया, निकालिए इन सबको, आखिर में दिल्ली में क्या बचेगा। दिल्ली में ओरिजिनल जो रहने वाले हैं वो हैं जाट और गुजर, ये उनका इलाका है। और अगर ये बाहर के लोग ना आए होते तो दिल्ली में आज भी सैकड़ों स्कैटर्ड गांव होते, जैसे हिंदुस्तान के बहुत बड़े इलाके में गांव हैं जी। शहर तो बनता ही जब है जब बाहर से लोग आके बसते हैं। बाहर से लोग आते हैं, वो अपने खाने लाते हैं, अपने बर्तन लाते हैं, अपने जो नए क्राफ्ट हैं, जो नए नए तरीके का लकड़ी का काम, नए तरीके की नक्काशी, नए तरीके की बुनाई, ये सब लेके आते हैं। और इस जहाँ वो आके बसते हैं वहाँ के जो भी वो हैं, जैसे हम फोक चीज़ें कहते हैं, ये दोनों मिलते हैं और उससे कुछ नया बनता है। खाने को अगर आप लें तो मेरी नज़र में जो हिंदुस्तानी खासियत है, खाने में जो हिंदुस्तान की खासियत है वो भुनाई है। ये भुनाई का काम जो है, पहले आपने प्याज डाल के भुना, फिर आपने अदरक लहसुन धनिया नमक मिर्च डाल के भुना, उसके बाद आप अगर सब्ज़ी पका रहे हैं तो जो भी सब्ज़ी है उसे भुना, अगर गोश्त पका रहे हैं तो गोश्त डाल के भुना, उसके बाद फिर उसमें पानी डाल के आपने उसको गलाया। ये स्टेजेस की भुनाई, ये मेरा ख्याल से हिंदुस्तानी इन्वेंशन है। और जो तंदूर की पकाई है वो वेस्ट एशिया से आई है। तो अगर आप भी जाके आप अफगानी या ईरानी खाना देखें या उज़्बेकिस्तान ताजिकिस्तान का खाना देखें तो उनके यहाँ भुनाई नाम की चीज़ नहीं है। वो मसालों गोश्त के टुकड़े उन पे पारचों के ऊपर मसाला लगा के रखते हैं, फिर सीखों पे पिरोते हैं और तंदूर में पकाते हैं। तंदूर के ऊपर ही बड़ा सा काब रख के उसके अंदर उनका वो पिलाफ बनता है, उसकी मॉडिफाइड फॉर्म बिरयानी है। अफ़गानिस्तान में एक चीज़ होती है जो बिरयान कहलाती है, दिल्ली में बिरयानी होती है, भोपाल चले जाइए वहाँ बिरयान होता है। और भोपाल में जब जो लास्ट नवाब थे नवाब हमीदुल्ला खान, उनकी शादी जिस लड़की से हुई थी मैमूना सुल्तान से, उसका पूरा पूरा ख़ानदान अफ़गानिस्तान से आके वहाँ बसा था। उसी दौरान मैमूना सुल्तान को बुलाया इसलिए गया था कि जब वो जवान हो जाएगी तो हमीदुल्ला खान से उसकी शादी होगी। उसकी हमीदुल्ला नवाब हमीदुल्ला खान की वालदा ने इस पूरे ख़ानदान को अफ़गानिस्तान से इम्पोर्ट किया था, यहाँ आके बसो, मैं तुमको ओहदे दूंगी, जिम्मेदारियाँ दूंगी, रहने खाने का इंतजाम करूँगी और तुम्हारी सबसे छोटी बेटी से मेरे सबसे छोटे बेटे की शादी होगी। तो ये लोग अभी मतलब जो रीसेंट जो बिल्कुल न्यूएस्ट अभी हाल का आया हुआ एक नया खाने में इनपुट है वो भोपाल में आया। पर उससे पहले सेंचुरीज से, 11वीं सदी से नहीं, 10वीं 8वीं 9वीं सदी से, ईसा मसीह से पहले से लगातार लोग खैबर पार करके आ रहे हैं। उसी रास्ते से आर्य आए, उसी रास्ते से हून आए, तातार आए, उसी रास्ते से सिकंदर की फौज आई, उसी रास्ते से कुशान आए, वो सब लोग वहाँ से आए। और जितनी बार एक नया काफ़ला आता था वो कुछ नया लेके आता था और वो सब धीरे धीरे दिल्ली में मिलता गया। और हर बार वहाँ पर भी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है खाने में, यहाँ भी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, फिर वो आता है और यहाँ मिक्स होता है। तो जिस तरह के बर्तन यहाँ पे मिलते हैं, जिस तरह के काब हैं, आप एक कश्मीरी खाना है उसे तबक मास कहते हैं, वो रिब्स हैं पसलियाँ, वो थोड़ा सा मसाला लगा के बहुत शैलो फ्राई की जाती, बहुत धीरे 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 धीरे। वो तबक मास क्यों है? मास तो गोश्त हो गया, तबक क्या है? तबाक, वो खुली सीनी में पकता है। तबाक फारसी का लफ्ज़ है और ये वहीं से आया है, वो कश्मीर में आके तबक बन गया। देग देगची, वो जितने ये बर्तन हैं जिनमें आप कधा, ये सारे के सारे नाम, वेसल्स के नाम, इनकी शक्ल, ये बहुत सारी सेंट्रल एशिया से आई।
तांबे की बनती थी, कलाई होती थी, ये पूरी की पूरी जो प्रोसेसेस हैं वो यहाँ से लेके और ईरान तक आपको कॉमन मिलेंगी। तो वो हैं, वो एक ट्रेडिशन है। मसाले बहुत सारे हमारे हैं, हल्दी हमारी है, धनिया हमारा नहीं है जी। तो प्याज, हिंदुस्तान के अक्सर और बेहतर खाने प्याज के बगैर नहीं हो सकते, लेकिन प्याज हमारे यहाँ मिस्र से आई है और हिंदुस्तान से गन्ना इजिप्ट गया और वहाँ पे उन्होंने गन्ने के रस से को पका पका के कंसंट्रेट बना के और उसको एक बर्तन में रख के महीनों छोड़ देते थे, जिससे उसके क्रिस्टल्स बन जाते थे, जिसको वो खाने के बाद मुंह साफ करने के लिए खाया करते थे। वो वहाँ से हिंदुस्तान आया लौट के, जिसे हम मिस्री कहते हैं। अच्छा, तो गन्ना यहाँ से गया, वहाँ से मिस्री बन के लौट आया। तो ये इस तरीके से लगातार हुआ है। इसमें ये कहना कि ये हिंदुस्तानी है, और हमारे यहाँ तो और झगड़े होते हैं। बिरयानी दिल्ली की अच्छी होती है कि लखनऊ की अच्छी होती है, हैदराबाद की या पटना की या कलकत्ता की? अच्छा, मैं दिल्ली में, मैं जितने घरों में बिरयानी खाई है, हर घर की बिरयानी का मज़ा अलग है, तरीका वही। दो तरह की, एक यखनी के साथ बनती है, एक बिना यखनी के बनती है। जो बिना यखनी के बनती है उसको पुलाव कहते हैं, जो यखनी के साथ बनती है उसे बिरयानी कहते हैं। जो पोटली में मसाले डाले जाते हैं सबके अलग अलग है। एक हमारे दोस्त हैं, वो सिर्फ इलायची और लौंग से बनाते हैं, इलायची लौंग नमक के अलावा कुछ डालते नहीं बिरयानी में, कमाल की बिरयानी बनाते हैं। कुछ लोग हैं वो कुटी हुई प्याज भी डालते हैं उसमें, ज़ीरा भी डालते हैं, सौंफ भी डालते हैं, काली मिर्च भी डालते हैं, लौंग भी डालते हैं, वो यखनी का शोरबा उससे बनता है। तो हर एक प्रोसेस वही है, लेकिन हर पकाने वाला कुछ नया करता है। अगर एक ही जैसा खाना पकाए हर एक आदमी, तो फिर तो खानसामा का तो कोई काम ही नहीं, काम है। ही नहीं। हर खानसामा अपनी कुछ नई पख लगाता है ना, इसलिए तो मशहूर है जी। हर एक आदमी क्यों भागा हुआ जाता है कूचा पंडित में, हकीम के पास? क्योंकि हकीम के खाने में कुछ नई बात है। तो ये सब कुछ जो डेवलप हुआ है, ये कहना कि ये हिंदुस्तानी है या ये दिल्ली का है, मुझे इसमें परेशानी होती है। क्योंकि तहजीब, कल्चर, तमद्दुन, ये ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार अगर न बदलें तो मर जाती हैं, और वो उनकी तरक्की जब ही होती है जब वो दूसरों से लेते हैं। वो तहजीबें, वो तमद्दुन जो दूसरों से लेना बंद कर देते हैं, वो इस काबिल भी नहीं रहते कि किसी और को कुछ दे सकें। आप देंगे जब आप लेने को तैयार होंगे, जब ही इसी एक्सचेंज में तहजीबें डेवलप करती हैं जी। सोहेल साहब, एक आखिरी सवाल आपसे जी, जी। कि इस वक्त हिंदुस्तान में अभी वो एक जिन्ना का भूत है जो हमारे सामने है, लेकिन साथ साथ जिस पे डिबेट होनी चाहिए थी उस कदर नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे मीडिया का जो आलम है और सारी दुनिया में जिस तरह हम लोग बदनाम हुए हैं, मीडिया, हमारा मीडिया जिस तरह बदनाम हुआ है वो हमारे सामने है। तो वो अभी तो जिन्ना पे ही बहस चल रही है, लाल किले पे बहस नहीं हो रही है। आप और आप जैसे उंगलियों पे गिने जाने वाले 2-4-5 लोग बोल रहे हैं, तो ये लाल किला जो है ये अगर किसी प्राइवेट फर्म को दे दिया जाए और वो इसमें बहुत अच्छा कर ले, अंदर रेस्टोरेंट्स भी हो जाएं और जब कोई सयाह बाहर से आए वो घूमने जाए तो उसे अच्छा लगे, नेस्कैफे का अंदर कैफ़े शॉप है और वो इसमें बहुत अच्छा कर ले, जो एक तर्क दिया जा रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? देखिए, इसमें असल में जो मसला है वो कई लेवल के ऊपर देखने की ज़रूरत है। ये हुआ ये कि सितंबर 2017 में गालिबन पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए या कहीं जो हालिया सदर हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने ये कहा कि ये होना चाहिए कि हम इन तमाम ये जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं इनकी देखभाल नहीं हो पा रही है और इसमें कोऑपरेशन, वो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP जो होता है वो किया जाना चाहिए। उसके फौरन बाद कल्चर सेक्रेटरी ने एक प्रपोजल तैयार किया। पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी है जो टूरिज्म के सवालों के ऊपर, जिसके चेयरमैन हैं उसके
तृणमूल कांग्रेस के एक एमपी, जिनके बहुत सारे बयान भी अभी हाल में आए हैं इस सवाल के ऊपर, उनकी चेयरमैनशिप में ये कमेटी है। उस कमेटी के सामने उस ये जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों के मेंबर्स होते हैं और सारी पार्टियों के नुमाइंदे होते हैं, अक्सर बेशतर पार्टियों के नुमाइंदे होते हैं। तो डेरेक ओब्रायन इसके तृणमूल पार्टी के वो उसके चेयरमैन है, बाकी तमाम पार्टियों के एमपी। वहाँ पर कल्चर सेक्रेटरी ने प्रपोजल रखा, उस कमेटी ने कहा, प्रपोजल ये था कि हम 93 मॉन्यूमेंट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए खोल रहे हैं और लोगों से हम कहेंगे कि वो टेंडर दें कि कितना पैसा उसके ऊपर खर्च करेंगे और एक मंसूबा बना के दें कि वहाँ क्या करेंगे। तो इस कमेटी ने कहा कि देखिए, एक तो मंसूबा आप प्राइवेट एजेंसी को न दीजिए, मिनिस्ट्री हर मॉन्यूमेंट के लिए मंसूबा तैयार करे कि यहाँ ये होना ज़रूरी है और फिर कहे कि आप बताइए, आप मॉडल दीजिए किस तरीके से करेंगे आप। और उन्होंने कहा कि इकट्ठे 93 मत खोलिए, 2-3 आइडेंटिफाई कीजिए, वहाँ पे एक पायलट स्टडी करके देखिए कि ये कामयाब है भी कि नहीं। अगर कामयाब होता है तो उसके बाद उसको आप चलाएं, इस स्टेज के ऊपर ये डिस्कशन था। तो डेरेक ओब्रायन की जो कमेटी है उसने ये कहा कि एक तो 93 के 93 मॉन्यूमेंट आप इकट्ठे मत खोलिए, एक दो को लेके स्कीम लागू कीजिए, टेस्ट कीजिए, अगर वो काम कर रही है और कामयाब है तब उसको आगे बढ़ाने पर देखा जाएगा। दूसरे उन्होंने कहा कि इनकी देखरेख का जो मंसूबा है वो मंसूबा वो नहीं बनाएगी, वो मिनिस्ट्री तय करे, मिनिस्ट्री तय करे। इस पे बहस हो ही रही थी कि ये ऐलान हो गया कि लाल किला इनको दे दिया गया है। अब उसमें मसला ये है कि जो पार्लियामेंट का प्रोसीजर है, जो कामकाज करने का तरीका है, उसमें यह है कि स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पार्लियामेंट के दोनों जो राज्यसभा और लोकसभा वहाँ पे टेबल की जाती है, वहाँ पेश की जाती है, उसके बाद ही गवर्नमेंट आगे कुछ कर सकती है। ये वहाँ पर अभी तो डिस्कशन के स्टेज के ऊपर है, पार्लियामेंट के सामने पेश भी नहीं की गई जी। आपने टेंडर बुला लिए। जो तीसरा मसला है वो ये है कि जो 93 की जो फहरिस्त थी उसमें लाल किला था ही नहीं। अच्छा, तो ये तो एक लेवल है कि ये जो गड़बड़ हुई है, जो गलत हुआ है। डेरेक ओब्रायन की चेयरमैनशिप में जो कमेटी है उसने ये भी कहा था कि ये ऐसी तंजीमों को दिया जाए जिनके पास पुराने मॉन्यूमेंट्स की देखभाल करने का कुछ तजुर्बा हो। जिन साहब को दिया गया है वो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अलावा और उनका कुछ तजुर्बा नहीं है, और इन इमारतों की देखभाल में सीमेंट इस्तेमाल नहीं हो सकती। ये जो इन जितने भी पुराने स्ट्रक्चर्स हैं उनकी रिपेयर में चूना और गारा इस्तेमाल होता है, सीमेंट नहीं इस्तेमाल हो सकती। तो इनके पास जो मटेरियल है वो इस्तेमाल कर नहीं सकते और इनके पास और कोई तजुर्बा है नहीं। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो कोई 30-35 पेज का है, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको हंसी आएगी। उसमें ड्राइंग बना के बताया गया है कि औरतों का जो टॉयलेट है उसमें का क्या साइज़ होगा, मर्दों का जो टॉयलेट है उसका क्या साइज़ होगा, टिकट काउंटर कैसा होगा। ये कहीं नहीं लिखा है कि इस, और उसमें एक इंटरप्रिटेशन सेंटर कैसे होगा, एंट्री कहाँ होगी, लोग बैठेंगे कहाँ, नक्शा बना हुआ उसका इस तरह का होना चाहिए वगैरह वगैरह। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोई हिस्टोरियन, कोई आर्कियोलॉजिस्ट, कोई एक्सपर्ट इस पूरी तैयारी में शामिल होगा कि नहीं होगा, कहीं उसका जिक्र नहीं है किस लेवल पे शामिल होंगे। इंटरप्रिटेशन सेंटर तो आप बना देंगे, इंटरप्रिटेशन में क्या बताएंगे, ये कौन लिखेगा, इसका कहीं जिक्र नहीं है। अब अगर ये क्या नाम है इनका, डालमिया भारत लिमिटेड वाले अगर ये तारीख लिखने वाले हैं तो फिर तो बहुत गंभीर मसला है, ये क्या तारीख लिखेंगे जी। एक और चीज़ जिसमें का जिक्र 3-4 नहीं
पांच या छह जगह आया है वो ये कि ये जो हेरिटेज मित्र होंगे इनका नाम किस साइज में कहां लिखा जाएगा ये तय किया जाएगा। मुझे तो ये तसव्वुर करके डर लगता है कि आप वहां जाएंगे और टॉयलेट की तरफ एरो लगा हुआ होगा, उस पर लिखा हुआ होगा दिस टॉयलेट कम्स टू यू विद द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ भरत डालमिया, और ये चाय आपको आप भरत डालमिया के तवस्सुत से पी रहे हैं, और ये जो जैसा ये होता है ना आप शमशान घाट का भी गए या कब्रिस्तान जाएं तो वहाँ एक बेंच लगी होती है उस पर लिखा होता है फलां फलां वो चौधरी हरसुख राय के सुपुत्र या दौलत खां के फर्जंद ने ये बेंच बनवाई है, जितनी बड़ी बेंच होती है उससे बड़ा उस पर नाम लिखा हुआ होता है। तो इस किस्म की वाहियात हरकतें होने के तमाम इम्कानात हैं। 25 करोड़ रुपए लाल किले के लिए 5 साल में, 5 करोड़ हर साल ये वो पैसा देंगे। ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है, ये टैक्स का कानून है इस मुल्क में कि अगर आपकी सालाना इनकम एक ख़ास हद से ऊपर है तो पिछले 3 साल में जो आपका टैक्स लगने से पहले का जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो अगर 3 साल तक इतने से ज़्यादा का है तो आपको उसका 2% हर साल किसी फलाही काम में खर्च करना होगा। कॉरपोरेट्स की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सामाजिक जिम्मेदारी है इनकी, 2% उस पर खर्च करेंगे। ये साहब जो 5 करोड़ रुपए सालाना खर्च करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि इनकी 250 करोड़ रुपए का इनका प्रॉफिट है टैक्स लगने से पहले पिछले 3 साल से। जिसका प्रॉफिट 250 करोड़ रुपए है उसके लिए 5 करोड़ रुपए क्या होता है? ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लाल किले की में बेंचें लगाने, वो साफ टॉयलेट्स कर रखने, कैंटीन खोलने वगैरह, ये करने के लिए उनको इश्तहार लगाने की इजाज़त दी जा रही है। लाल किले को 2.5 करोड़ लोग हर साल विजिट करते हैं, 2.5 करोड़ लोग इनके इश्तहार मुफ्त में देखेंगे। कानूनी तौर पे इनको ये पैसा खर्च करना है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, ये उससे फ्री एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। ये जो पूरा कानून है टैक्स का ये उसकी खिलाफ वर्जी है, और सरकार उनको मौका दे रही है कि फ्री आप इश्तिहार लगाइए। तो कहीं लिखा हुआ होगा कि लाल किले की देखभाल ये डालमिया जी कर रहे हैं, लाल किले में बाथरूम डालमिया जी ने लगाए। मुझको इससे इतना सख्त गुस्सा आता है, जो विदेश से गैर मुल्की जो सफ़ीर यहाँ पर आते हैं, जो हमारे बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं जिन पर टिकट लगा हुआ है उसको देखने के लिए उनसे हम 500 रुपये लेते हैं। अगर उसको टॉयलेट का इस्तेमाल करना हो तो उससे ऊपर से पैसा लिया जाता है। 500 रुपये जिस शख्स से आप ले रहे हैं आप उसे मुफ्त में क्लीन टॉयलेट नहीं दे सकते। अब क्लीन टॉयलेट लाल किले में बनाने के लिए आपको बाहर से कोई चाहिए, कोई और कंपनी उसमें पैसा खर्च करेगी? दिल्ली में 3 वर्ल्ड हेरिटेज के मॉन्यूमेंट्स हैं, लाल किला, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार। इन 3 जगहों पर आप क्लीन टॉयलेट्स नहीं दे सकते, आप बैठने के लिए बेंचेस नहीं लगा सकते। ये करने के लिए वो मुल्क जिसके लीडर रोज ये ऐलान कर रहे हैं कि हम दुनिया की 3री या 4थी सबसे बड़ी ताकत हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपने मुल्क की राजधानी में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर साफ टॉयलेट्स और बैठने के लिए बेंचें लगा सकें, चाय पीने की 3 दुकानें खोल सकें। ये इतना इनोसेंट नहीं है जितना इनोसेंट इसको बना के पेश किया जा रहा है। ये बात कि ये लाल किला फहरिस्त में नहीं था, इससे मुझे शक कुछ और है। मेरा शक यह है कि लाल किला जो सिंबल था फ्रीडम स्ट्रगल का, ये उसके ऊपर अटैक करने की का हिस्सा है। यहां पर आज 11 मई है, आज से 161 साल पहले आज इस वक्त बागी सिपाही लाल किले में दाखिल हुए थे। क्या वक्त हुआ,
11 बजे हैं लगभग इस वक्त, मेरठ से चले थे वो 9 तारीख को, आज वो लाल किले में दाखिल हुए थे। बादशाह बहादुर शाह जफर के ज़ईफ़ बादशाह, 80 साल से ऊपर उनकी उम्र थी, उनके पास गए और कहा कि आप हमारे सिपा सालार बनिए। बहादुर शाह जफर ने कहा कि मैं बूढ़ा हूँ और मैं तो अंग्रेज़ों का वजीफ़ा लेता हूँ, मेरे पास ना फ़ौज है ना पैसा, मैं तुम्हारा सिपा सालार कैसे बनूँगा। तो फौजियों ने कहा कि सिपाही तो फौज तो हम हैं और आवाम हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं, हमें पैसा नहीं चाहिए, हम सिर्फ आपका दस्ते शफकत चाहिए, अपना सर हमारे हाथ, अपना हाथ हमारे सर पर रख दीजिए और हमारे लीडर बन जाइए। वो तैयार हो गए। उसके बाद दिल्ली से अंग्रेज़ निकाले गए। अगले 4 महीने तक दिल्ली में अंग्रेज़ नहीं थे। लाल किले से ये नारा पहली बार उठा, हिंदुस्तान आज़ाद है, और अब तो लंदन तक चलेगी तीर हिंदुस्तान की, वो लाल किले से हुआ शुरू। अंग्रेज़ों ने सितंबर में दिल्ली पर दोबारा कब्ज़ा किया, बहादुर शाह जफर को गिरफ़्तार किया, जीनत महल में डाल दिया और यहाँ पर उसके ऊपर मुकदमा चला। मुल्क से गद्दारी का मुकदमा अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर पर चलाया और उसे मुल्क बदर किया लाल किले से। उसके बाद वो राजधानी कलकत्ते ले गए। उसके बाद 3 दरबार किए उन्होंने, तीनों दरबार दिल्ली में किए, क्योंकि हिंदुस्तान भर में ये साफ था कि हिंदुस्तान का बादशाह वो जो दिल्ली से हुकूमत करे। तो इंग्लैंड में जो बादशाह बनता था, जब उसको फरमा रवाए हिंदुस्तान डिक्लेयर किया जाता था, तो वो प्रोग्राम दिल्ली में होता था। उसके बाद बगावत हुई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। क्यों? दिल्ली, दिल्ली मरकज़ था, लाल किला मरकज़ था। फिर INA के जो हीरोज़ थे उनके ऊपर मुकदमा चला, कर्नल ढिल्लन, कर्नल शाहनवाज और कर्नल सैगल, उन तीनों के ऊपर मुकदमा चला लाल किले में। कलकत्ते से लाल किला लाए उनको फोर्ट विलियम से, और यहाँ उनके ऊपर मुकदमा चला जो पंडित नेहरू और आसिफ अली बैरिस्टर ने लड़ा उनकी डिफेंस में। और इस पूरे दौरान, इस 90 साल में 1857 से 1947 तक, हिंदुस्तान में ये जो पूरी तहरीके आज़ादी थी, उसका एक ऑब्जेक्टिव ये था कि लाल किले पर से अंग्रेज़ों का झंडा उतारना है और हिंदुस्तान का झंडा लगाना है। इसलिए 16 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू गए वहाँ पर और यूनियन जैक उतार के और हिंदुस्तान का झंडा लगाया गया। ये वो मरकज़ है, लाल किला उसका मरकज़ था। इनकी नज़र में ये हमलावरों का गढ़ था, हमलावर अंग्रेज़ नहीं, मुग़ल। ये इस मरकज़, इस लाल किले को जो तहरीक आज़ादी का मरकज़ था उसके ऊपर अटैक है जी। तो मेरी नज़र में इसलिए लाल किले को डिफेंड करना ज़रूरी है। और ये इस तरीके से टुकड़े टुकड़े करके जो बेची जा रही है हमारी तहजीब और हमारा तमद्दुन और हमारा कल्चर और हमारी हेरिटेज, इसको रेजिस्ट करना इसलिए ज़रूरी है। सोहेल हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जब भी बोलते हैं, चूँकि आपके लेक्चर्स हम सुनते रहते हैं, आप जब भी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आपकी गुफ्तगू हम सुनते रहें, लेकिन चूँकि ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है, इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। हम फिर आपको जहमत देंगे कभी और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और जो बहुत सारी बातें और बच गई हैं उन पर मज़ीद बात करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।